हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है एडल्टेरर्स, जिसे डायरेक्ट किया है H.M. कोकले ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम सैमुअल नाम के बंदे को देखते हैं, जो अपनी वाइफ एसले से बात कर रहा होता है। आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए वो एक अच्छे से होटल में जाने वाले हैं। लेकिन अचानक से उसके बॉस ने उसे बताया कि उसे एक एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसी वजह से इनका सारा प्लान बिगड़ गया। लेकिन वो एसले से कहता है, जब मैं वापस आऊँगा, अगर तुम तब भी सोई नहीं होगी तो हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद हम सैमुअल को काम पर देखते हैं। काम पर उसकी एक लोला नाम की वर्कर होती है। लोला को उसका बॉस हमेशा अपने ऑफिस में ही रखता है। सैमुअल लोला से कहता है, शायद वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। इसके बाद सैमुअल ने एक फ्लोरिस्ट को कॉल लगाया। वो अपनी वाइफ के लिए ब्यूटीफुल फ्लावर भेजने वाला है। लोला ये सब सुन रही थी तो उसे ये बहुत रोमांटिक लगता है। सैमुअल एक सुपर शॉप में हेल्पर है। यहाँ पर एक फ्लाइट अटेंडेंट होती है, वो उसे कुछ बाय करने में हेल्प कर रहा था। वो जब घर पर आ रहा था, तब उसे एक गाड़ी ने कट मारा, जिसकी प्लेट पर फ्लैश लिखा हुआ था। वो घर पर पहुँचा। ज़्यादातर इस टाइम पर उसकी वाइफ घर पर नहीं होती। वो जो भी अपने साथ गिफ्ट लाया था, ये सब उसने अपने घर में वाइफ को सरप्राइज करने के लिए रख दिया। वो रिलैक्स कर रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि उसकी वाइफ का पर्स तो यहीं पर है। वो एसले को कॉल करता है तो रिंग की आवाज़ ऊपर से आ रही थी। वो जब देखने के लिए ऊपर जाता है, तब वो देखता है उसकी वाइफ किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसके घर में जो गन थी, वो डायरेक्टली उसे उठा लेता है। उसे थॉट आता है कि ऊपर जाकर वो इन दोनों को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अपना गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ी सी ड्रिंक करता है। थोड़ा शांत होने के बाद वो ऊपर आता है। जब एसले सैमुअल को नोटिस करती है, तब वो और उसका लवर काफ़ी डर जाते हैं। सैमुअल के पास गन होती है, इसलिए वो दोनों को वहीं रुकने के लिए कहता है। जिस बंदे के साथ वो इंटीमेट हो रही थी, उसका नाम डेमियन है। डेमियन कहता है, यहाँ जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हें वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सैमुअल उसकी बात नहीं सुनता और उन्हें वहीं पर बैठने के लिए कहता है। वो एसले से कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, घंटों काम करता हूँ, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके बाद वो कहता है, मुझे तुमसे कुछ आंसर चाहिए। इसके बाद वो एक क्लॉक पर टाइमर लगाता है और उससे कहता है, जब तक ये क्लॉक टिक टिक कर रही है, तब तक तुम सेफ हो, और इसके बंद होते ही मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं मिले तो तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। वो डेमियन से पूछता है, कब से तुम मेरी वाइफ के साथ हो? वो कहता है, 6 वीक। सैमुअल कहता है, 6 वीक से तुम मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहे हो। डेमियन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक या दो बार ही मिले हैं। सैमुअल गुस्सा हो जाता है, तुम मेरे घर में मेरी वाइफ के साथ सो रहे थे। वो उससे पूछता है, तुम मिले कैसे थे? डेमियन कहता है, हम ऑनलाइन मिले थे। एसले रो रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सैमुअल को ये सब पता चल गया। वो सैमुअल से कहती है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने बहुत गलत किया। सैमुअल को याद आता है कि एसले जब ऑनलाइन बात कर रही थी, तब उसने नोटिस किया था। तब एसले ने कहा था, मैं स्कूल फ्रेंड से बात कर रही हूँ, और वो एक्चुअल में डेमियन से बात कर रही थी। सैमुअल तभी नोटिस करता है, डेमियन के हाथ में एक रिंग है। वो उसे पूछता है, क्या तुम मैरिड हो? डेमियन कहता है, हाँ। उसके बाद वो पूछता है, तुम्हारे बच्चे भी हैं? डेमियन कहता है, हाँ, एक लड़का है और अब एक बेटी होने वाली है। सैमुअल कहता है, अब मैरिड होना मैटर नहीं करता, राइट? तुम दोनों में बात आगे कैसे बढ़ी? डेमियन कहता है, हम दोनों एक दूसरे से चैट करते थे, एक दूसरे को जान गए और उसके बाद अफेयर स्टार्ट हो गया। सैमुअल डेमियन से पूछता है, मेरी वाइफ के साथ होकर तुम्हें कैसा लगा? वो इस पर आंसर नहीं करता। सैमुअल अब चाहता है डेमियन और एसले उसके सामने इंटीमेट हो। एसले कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बात हम दोनों के बीच में है, हम दोनों आपस में इसे सॉल्व कर लेंगे। सैमुअल नहीं मानता, उसके पास गन होती है, इसलिए उन दोनों को सैमुअल के सामने इंटीमेट होना पड़ता है। एसले को उसके मोबाइल पर उसके बॉस का कॉल आया। कॉल सैमुअल पिक करता है और कहता है, आज एसले काम पर नहीं आएगी, घर पर कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें वो सॉल्व करेगी। इंटीमेट हो जाने के बाद सैमुअल पूछता है, ये जो सिचुएशन है, ये मैंने एक मूवी में देखी थी। एक आदमी टैक्सी चलाकर अपने घर तक आता है और वो गलत घर में पहुंच जाता है, और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को देखता है। मूवी में वो आदमी कह रहा था वो किस तरह से अपनी वाइफ को मारेगा।
सैमुअल कहता है, मुझे भी अब वैसा ही लग रहा है। मैंने मेरी लाइफ में किसी भी औरत को हर्ट नहीं किया है। मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं होता कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, और इस सिचुएशन में तुम दोनों ने मुझे डाल दिया है। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। सैमुअल डेमियन के बारे में और भी कुछ जानना चाहता है। वो उसका वॉलेट चेक करता है। इसमें एक्सपेंसिव क्रेडिट कार्ड होते हैं, अनयूजुअल अमाउंट पैसे भी होते हैं। सैमुअल पूछता है, तुम इतने पैसे क्यों लाए हो? क्या तुम एस्ले को पे कर रहे थे? उसका शक सही था। एस्ले कहती है, ये मैं पैसों के लिए नहीं कर रही थी, आज मुझे पैसों की ज़रूरत थी। सैमुअल पूछता है, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत? तुम्हें जो भी चाहिए होता है ये सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। एस्ले कहती है, तुम्हें मैं गिटार गिफ्ट करने वाली थी। हमेशा हमारे पास पैसों का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं उससे लोन ले रही थी। मेरा प्लान था मैं उसे वापस कर दूंगी। मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। इसके बाद सैमुअल को डेमियन के बारे में पता चलता है कि वो एयरफोर्स में था। सैमुअल को भी एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी, लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो नहीं कर पाया। डेमियन कहता है, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे अब भी काफ़ी सारे कनेक्शन हैं। तुम यंग हो, अब भी पायलट बन सकते हो। सैमुअल कहता है, इतनी जल्दी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। सैमुअल डेमियन से कहता है, तुम लोगों को तो निकनेम दिए जाते थे, तुम्हारा निकनेम क्या है? डेमियन कहता है, मुझे फ्लैश बुलाया करते थे। ये वही नाम होता है जो हमने कुछ टाइम पहले गाड़ी की नंबर प्लेट पर देखा था। इसके बाद से सैमुअल पूछता है, तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? डेमियन कहता है, जैस्मिन। सैमुअल पूछता है, तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच कोई प्रॉब्लम है? डेमियन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद प्रॉब्लमेटिक है, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर हमेशा स्ट्रगल करती है। सैमुअल पूछता है, अगर तुम्हारी वाइफ को ये पता चला तो तुम क्या करोगे? डेमियन कहता है, वो समझ जाएगी, पास्ट में मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे, उसने मेरा साथ दिया। डेमियन सैमुअल को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, जो भी है, ये प्रॉब्लम तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच की है, इसी वजह से तुम्हारी वाइफ ने तुम पर चीट किया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तुम दोनों इस पर बात करो और कोई रास्ता निकालो। इस तरह की चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, तुम इस सब से मूव ऑन करो और मुझे यहाँ से जाने दो। सैमुअल नहीं मानता। डेमियन कहता है, मुझे मार डालो या फिर मुझे जाने दो, तुम मुझे इस तरह से नहीं रख सकते। सैमुअल कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डेमियन को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने रूम में सैमुअल की वाइबल नोटिस की थी। वो कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरी मदर मुझे चर्च ले जाया करती थी। बाइबल में लिखा है, तुम्हें किसी से भी रिवेंज नहीं लेना चाहिए। अगर तुम रिवेंज लेते चले गए तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सैमुअल कहता है, ये रिवेंज नहीं है। अगर मुझे रिवेंज लेना होता तो मैं तुम्हारे घर में जाता और तुम्हारी वाइफ के साथ इंटीमेट होता, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। ये जो सब चल रहा है ये जस्टिस है। सैमुअल कहता है, बाइबल में ये भी लिखा है, किसी और की वाइफ के साथ इंटीमेट नहीं होना है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसे डेथ की सज़ा होनी चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ यही सब गॉड भी चाहता है। अब जब भी मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है। इसकी सज़ा क्या होगी? इसकी सज़ा मौत ही है। डेमियन कहता है, मैं बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। आजकल सारे लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे बस एक कॉल लगाने दो और शाम तक तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। सैमुअल अब भी नहीं मानता। डेमियन के पास दो फ़ोन हैं, एक फ़ोन वो सिर्फ अफेयर के लिए रखता है। सैमुअल जब डेमियन के फ़ोन में एस्ले का नंबर सर्च करता है तो उसने प्रोस्टिट्यूट नाम से सेव किया है। सैमुअल एस्ले से कहता है, देखा वो तुम्हें क्या समझता है? इसके बाद डेमियन कहता है, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं। जब तुम भी पहली बार एस्ले से मिले थे तब वो मैरिड थी। सैमुअल गुस्सा हो जाता है, इसे ये सारी बातें कैसे पता चली? सैमुअल कहता है, एस्ले का हस्बैंड उसे मारता था जब भी वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, मैंने उसे बचाया था, हम दोनों सेम नहीं हैं। डेमियन कहता है, जो समझना है तुम समझ लो। सैमुअल कहता है, मेरे फादर कहा करते थे, हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते। एस्ले ने मुझ पर चीट किया तो ये बात सही निकली है। वो डेमियन से पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डेमियन भी अब गिव अप कर चुका था। वो उसे सच बता देता है, क्योंकि मैं कर सकता था, मैं पावरफुल हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सैमुअल इस बात पर और भी चिढ़ जाता है। वो कहता है, तुम जैसे लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं उन्हें लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, हम जैसे कमज़ोर लोगों का तुम फ़ायदा उठाते हो। एस्ले और डेमियन एक ही सिटी के हैं। डेमियन उसे समझाता है कि मैं हमेशा रिच नहीं था, मैंने भी स्ट्रगल किया है। इसके बाद सैमुअल को उसकी कोवर्कर लोला का कॉल आया। सैमुअल लंच ब्रेक में बाहर आया था, उसे काफ़ी टाइम हो गया और वो वापस नहीं गया, इस वजह से वो थोड़ी टेंशन ले रही थी। सैमुअल कहता है, घर पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए मैं बाद में आऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो डेमियन से कहता है, अब तुम अपनी वाइफ को कॉल लगाओ।
और उसे सारी बात बताओ। डेमियन वाइफ को कॉल लगाता है और उसे सारी बात बताता है। उसकी वाइफ रोने लगती है और पूछती है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? डेमियन कहता है, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। इसके बाद सैमुअल डेमियन की वाइफ से बात करता है। वो कहता है, ये जो सिचुएशन है इसमें मैं डेमियन को मार सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मुझे उसे मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? ये फ़ोन स्पीकर पर था इसलिए डेमियन की वाइफ कहती है, मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है। सैमुअल और वो बात करते हैं। इन दोनों ने कोई प्लान बनाया है। कुछ टाइम बाद डेमियन की वाइफ जैस्मिन वहाँ पर आ जाती है। डेमियन को लगता है वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे पनिश करने के लिए उसके सामने ही सैमुअल के साथ इंटीमेट होती है। जितना हर्ट सैमुअल और जैस्मिन को हुआ था, इतना हर्ट अब वो डेमियन और एस्ले को देखना चाहते थे। ये उनके सामने इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो सैमुअल से कहती है, उसके साथ तुम कुछ भी करो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सैमुअल एस्ले से कहता है, अब कैसा लग रहा है? एस्ले रोने लगती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, इसमें कुछ भी मीनिंगफुल नहीं था। एस्ले कहती है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कभी भी किसी के साथ फेथफुल नहीं थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सैमुअल कहता है, ये गन लो और डेमियन को मार डालो, तुमने अगर उसे मार दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम पुलिस को कहेंगे वो हमारे घर में घुस आया और सेल्फ डिफेंस के लिए तुमने उसे मार डाला, हमारे पास बैकयार्ड भी है, वहाँ भी हम उसे दफना सकते हैं। एस्ले ज़्यादा कुछ सोचती नहीं और डेमियन पर गन लगा देती है। वो उसे मारने ही वाली थी लेकिन सैमुअल उसे गन ले लेता है। इसके बाद सैमुअल डेमियन से कहता है, देखा यहाँ पर क्या चल रहा है? एस्ले फिर खुद को एक्सप्लेन करती है। वो कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे फादर बहुत ही घटिया आदमी थे, वो हार्ड वर्किंग थे लेकिन उन्हें कभी भी प्रमोशन नहीं मिलता था, वो इस सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। एक बार उन्हें काम था तब उनके बॉस स्कूल से मुझे लेने आए। स्कूल से घर जाते टाइम एक लॉन्ग राइड थी, तब मैं सो गई, जब मेरी आँख खुली तब मेरे फादर के बॉस मुझे टच कर रहे थे। उसके बाद मेरे फादर का प्रमोशन हो गया और ऐसा चलता ही रहा। मैंने अपने फादर को कहा लेकिन उन्होंने मुझे झूठी कहा, वो कहते थे जब तक बॉस खुश हैं तब तक सब ठीक है। एस्ले अपने फादर से प्यार करती थी, वो उन्हें खुश देखना चाहती थी, इसलिए जैसा भी चल रहा था उसने चलने दिया। फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई। बॉस को लगा अब वो बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकता है, उसने कुछ पैसे एस्ले को दिए। इसके बाद वो उससे कभी नहीं मिला। सैमुअल को ये भी सुनकर बुरा लगता है। वो कहता है, हम सब लोग गलत हैं, हम में से कोई भी सही नहीं है, हम सब ने गलतियाँ की हैं, वो हम गॉड पर छोड़ देंगे कि हमारे साथ क्या होगा। वो गन की सारी गोलियाँ निकाल कर एक गोली डालता है, इसमें 6 राउंड थे, वो एक एक करके गोली चलाने वाला है। अब किस पर गोली चलेगी ये किसी को भी पता नहीं है। इसके बाद हमें सिर्फ गोली चलने की आवाज़ आती है और स्क्रीन डार्क हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सैमुअल की कोवर्कर लोला उसे घर पर देखने के लिए आती है। डोर कोई ओपन नहीं करता इसलिए वो बाहर से ही चली जाती है। यहाँ उसने सैमुअल की कार देखी, उसे पता चलता है कि सैमुअल घर पर ही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सैमुअल एस्ले के साथ है, नीचे डेमियन की बॉडी पड़ी हुई है। उसने फिर बैकयार्ड में डेमियन की बॉडी को दफना दिया। एस्ले उसके साथ थी और ये सब देख रही थी। अगले सीन में उसे रियलाइज हुआ कि एस्ले उसके साथ नहीं है। एस्ले का स्कार्फ भी इस बैकयार्ड में होता है, इसका मतलब उसने जो बॉडीज दफनाई हैं इसमें एस्ले और डेमियन दोनों थे। मूवी के पहले सीन में ही जब उसने सोचा था कि वो डेमियन और एस्ले को मार डाले तभी उसने मार डाला था। वो नीचे आकर बैठ गया और सारी चीज़ें इमेजिन करने लगा। एस्ले ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, इसका वो कुछ रिलैक्सेशन चाहता था। मूवी के शुरुआत में हमने देखा था सैमुअल एक फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ परचेज करने में हेल्प कर रहा था, उसने डेमियन को यही प्रोफेशन दे दिया और उसका निकनेम जिस गाड़ी ने उसे कट किया उस गाड़ी के नंबर प्लेट का दे दिया। और एस्ले ने अपनी फादर की स्टोरी में अपने बॉस का नाम लिया था, सैमुअल के बॉस का भी वही नाम है, उसका बॉस भी लोला के साथ इंटीमेट होना चाहता है। वो स्टोरी उठाकर उसने एस्ले के करैक्टर को भी लगा दी, उसने उन दोनों को मार डाला। और लास्ट में हमने देखा लोला ने नोटिस किया है सैमुअल घर पर ही था और अब उसे जेल होगी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।